Yes. Okay, so we already seen the formula for the moment of inertia. Okay, for the rod. Rod के लिए क्या होता है moment of inertia? ML square by 12. Okay. Just remember this formula correctly. So the second is the moment of inertia of a ring, which is going to be mr square simply. The third is the moment of inertia of a disc, which is mr square by 2. Yes. And then we can have a moment of inertia of the solid sphere, which is going to be actually 2 by 5 mr square. Okay. And for the hollow sphere, it will be 2 by 3 into mr square. Correct? Okay? So accordingly, जो रेडियस ऑफ वेरिएशन जो है, जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक रेडियस ऑफ वेरिएशन का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा. रेडियस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ वेरिएशन? इफ सपोज देयर इज सम बॉडी एंड सपोज इट इज रिवॉल्विंग अबाउट सम एक्सिस, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी सपोज टू बी आई सपोज. ओके, एंड द मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी सपोज एम. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंडेंस दिस होल बॉडी इनटू अ सिंगल पॉइंट, एंड this point has to be revolved in such a way at such a distance so that it will have the same moment of inertia as that of the body. So matlab is pure body ko agar hum single point mein agar compact karenge to us particle ko kitne distance pe rakh ke ghumana zaruri hai taki humko utna hi moment of inertia mil jaye jitna body ka hai, usko bolte hain radius of variation. To agar is point ka mass m hai aur wo k distance pe ghumaya jata hai तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली m * k² रहने वाला है. तो ये कंडीशन सैटिस्फाई करने वाला जो वैल्यू k का है उसको ही हम रेडियस ऑफ वेरिएशन बोलते हैं. दैट मींस k कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस रेशियो ऑफ i टू m. दैट मींस k कैन बी एक्चुअली फाउंड आउट टू बी सिंपली रूट ऑफ i अपॉन m. करेक्ट है? सो दिस इज द रेडीमेड फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ वेरिएशन. रिमेंबर, रेडियस ऑफ वेरिएशन के बारे में हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं यहां पे. और इन सभी जो शेप्स है, इन सभी शेप्स का भी हम रेडियस ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं आराम से. क्योंकि देखो, सबसे पहला जो शेप हमारे पास है तो वो है रॉड के लिए. करेक्ट है? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है. दूसरा है रिंग का, रिंग. तीसरा है डिस्क का. चौथा है सॉलिड स्पीयर का. ओके, सॉलिड स्पीयर. और पांचवा है हॉलो स्पीयर. ओके, हॉलो स्पीयर. तो इन सभी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, पता है, ऑलरेडी मिल चुका है. बट हाउ वी नो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ वेरिएशन? सो उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. या सिंपल टेक्निक ये है कि जस्ट इक्वेट द एम के स्क्वायर विद आई. जो आई का वैल्यू हमको मिलता है उसको एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करो, बस खत्म. तो अब यहाँ पे अगर हमने इसको अगर इक्वेट किया आई के बदले अगर एम के स्क्वायर डाल दिया तो क्या होगा? देखो, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12. ओके, तो अगर ये एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 अगर रखो तो यहाँ पे m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, राइट? और ऐसे केस में k स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा l स्क्वायर बाय 12, राइट? सो k स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 12, एंड देन इफ यू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन वी कैन बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ k हियर. दैट इज k इज इक्वल टू l अपॉन रूट 12, एंड रूट 12 एज वी ऑलरेडी नो दैट इट कैन बी रिटन एज 2√3, because 12 can be written as 4 × 3, and 4 का square root 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे वो 2√3 आ जाएगा. So remember this also, the radius of variation of the rod about its midpoint axis is actually l by 2√3. It depends only on its length, doesn't depend on the mass. Okay, radius of variation का ये खासियत ही है. Radius of variation के अंदर जो है यहाँ पे i अपॉन m का रेशियो हमको मिलता है, ठीक है ना? i और m का रेशियो हमको मिलता है, जिसमें i एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मास m. देयरफॉर m जस्ट गेट कैंसिल, एंड दिस रेडियस ऑफ वेरिएशन एक्चुअली गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच द मास ऑफ द बॉडी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, मतलब रेडियस ऑफ वेरिएशन हमको क्या आइडिया देता है, इसके बारे में बताता है कि अगर मान लो हमने एक रॉड लिया या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको जब हम घुमाते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ज्यादा होता है, किसी एक्सिस के अबाउट कम होता है. तो वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो उसका मास और दूसरा उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. सो चलो ठीक है, मास तो हम समझ सकते हैं, बट हाउ कैन वी मेजर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास?
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास कैन बी मेजर्ड एक्चुअली बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन. तो रेडियस ऑफ वेरिएशन का जो कांसेप्ट है तो वो हमको एक आइडिया देता है कि अगर रेडियस ऑफ वेरिएशन का वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी का जो मास है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर रेडियस ऑफ वेरिएशन का वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो बहुत क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करता है. ये चीज जो है वो हमको समझना है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन, रिमेंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखो सेम मास वाले अलग अलग बॉडीज भी हो सकते हैं. जैसे देखो, अगर सपोज हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है, तो इस स्पीयर को अगर हम घुमा देते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत कम होगा. लेकिन इसी स्पीयर को अगर हम ऊपर नीचे से प्रेस करते हैं और प्रेस करके अगर उसको डिस्क बना देते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. इस तरह से उसका साइज बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जरूर. तो इस तरह से वो डिस्क बन जाएगा. अभी इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर सेम एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको हम घुमा देते हैं तो इट विल बी मोर. व्हाई? बिकॉज द स्पीयर के बारे में हम देखते हैं कि मास इज वेरी कॉम्पैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्क, इफ सपोज दिस, ये डिस्क जो है वो उसी मटेरियल से बना हुआ है, उतना ही मास कॉम्प्रेस करके हमने डिस्क बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये डिस्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर दूर तक है, क्योंकि वो फ्लैट हो गया. तो फ्लैट होने की वजह से जो ऊपर मास रखा हुआ था वो दूर दूर तक चला गया. तो इसलिए जितना मास दूर दूर तक फैलेगा तो उतना क्या होगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ता जाएगा. और इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ता जाएगा. तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन कैन एक्चुअली बी मेजर्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन. इवन इफ सपोज वी जस्ट कन्वर्ट दिस डिस्क, ये डिस्क को अगर हम रिंग बना देते हैं, रिंग में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, तो जरूर वही मटेरियल अगर हमने इस तरह से बॉर्डर में अगर लगा दिया तो जरूर उसका रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल सेम है ना. तो सेम मास यूज करके अगर उसके उसे हमने एक रिंग बना लिया तो वो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी एक्सिस के अबाउट जरूर ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि मास विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी क्लोजली बिफोर इन डिस्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन केस ऑफ द रिंग. अगर सेम मास से रिंग बनाया जाता है तो वो रिंग बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत ब्रॉड होगा, दूर दूर तक उसका मास फैला हुआ होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क से ज्यादा होगा अगर मास सेम है तो. ओके, और इसी भी आगे जाके हम देख सकते हैं कि अगर इसी रिंग को अगर हमने एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया, या रिंग को अगर एक पॉइंट पे कट कर दो और उसको अगर खोल दो तो एक सिंपल रॉड बन जाएगा जो कि इस तरह से हमको दिखाई देगा. देखो बहुत लंबा इस तरह से वो दिखाई देगा, क्योंकि जितना रिंग का सर्कमफेरेंस है उतना उस रॉड का लेंथ रहने वाला है. तो ऐसे केस में ये जो रॉड है, तो इस रॉड का जो लेंथ इतना बड़ा होने की वजह से इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ही ज्यादा होगा. इस एक्सिस के अबाउट अगर देखते हो, इफ वी जस्ट रोटेट द रॉड देन वी कैन जस्ट फील दैट द रॉड इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट बिकॉज इट्स मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. उसका जो मास है वो दूर दूर तक फैला हुआ है और इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. सो यू कैन जस्ट कंपेयर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर विद डिस्क विद रिंग एंड रॉड. सो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सॉलिड स्फीयर का होगा, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर का होगा. उससे थोड़ा ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा. वो फॉर्मूलास में से भी क्लियर है, देखो ठीक से, ठीक है. सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड स्फीयर का है, 2/5. उससे थोड़ा ज्यादा हॉलो स्फीयर का है, 2/3. उससे और ज्यादा ये डिस्क का है, that is 1/2. उसका कंट्रीब्यूशन देखो ठीक से, 1/2. और सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का है. तो इसलिए हम देख सकते हैं, और उससे भी ज्यादा रॉड का भी होने वाला है. तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से. सो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट, एक्चुअली यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, इसलिए उसको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है. अगर हम यहाँ पे इस रेडियस को यूज करके अगर उतने रेडियस का अगर सर्कमफेरेंस बना लेते हैं और उस सर्कमफेरेंस के बदले अगर वहाँ पे एल के बदले अगर वो सर्कमफेरेंस डालते हैं तो इट विल बिकम कंपेरेबल. And then we can just understand certainly that in that case the moment of inertia of the rod will be very much greater than these all these three here. So yes, here a concept hai, radius of variation ka. So okay, let us try to find out the radius of variations of all these different shapes here. So sabse pehle humne rod ka to nikal liya. Let us try to find out the radius of variation of this ring here.
What will be the radius of variation of ring? Can you tell me? See, if you have to just replace this I by mk square, that's all. So if you just replace this I by mk square, then mk square becomes equal to mr square. So that m gets cancelled, and what we are left with is simply k square is equal to r square, which means the radius of variation of the ring is just same as the radius of that ring, physical radius of that ring. There is no difference between the radius of variation and radius of the ring. Okay, so ring ke liye hi aisa hota hai ki radius or radius of variation in dono ke beech mein koi difference nahi hota hai. Okay, they are same only. But in case of the disc, we can just say that the radius is different and radius of variation is different. See why? Because yahan pe I ke badle agar fir se m k square daal do aur n r square ke by 2 ke sath usko equate kar do, to ye n to cancel ho jayega. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो k square का जो वैल्यू है तो वो हमको मिल जाएगा r square by 2, जिसके वजह से अगर हमने दोनों तरफ रूट अगर निकाला, स्क्वायर रूट अगर निकाल लिया, तो k का वैल्यू हमको एक्चुअली मिलेगा r by root 2, करेक्ट है? सो दिस इज वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्क एक्चुअली. तो डिस्क का जो रेडियस ऑफ वेरिएशन है वो हमेशा उसके रेडियस के कंपेरिजन में 1/√2 टाइम हुआ करता है. ये इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्ट है, याद रखो ठीक से. कहीं ना कहीं किधर ना किधर एमसीक्यूज के अंदर भी आपको ये यूज करने पड़ सकता है. रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ द डिस्क इज एक्चुअली 1/√2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ डिस्क सिंपली. एनीवन हियर कैन यू से फॉर द सॉलिड स्फीयर. ओके, तो सॉलिड स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको अगर हम एम के स्क्वायर से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो उसमें से हमको मिलेगा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर. सो दैट इज एम जस्ट गेट्स कैंसिल from both the sides and we are left with simply k square is equal to 2/5 into r square, correct hai? And hence we can just get it as k is actually equal to √2/5 times of r, correct hai? So this is actually going to be the formula for radius of variation of a sphere. So remember correctly that the radius of variation of the sphere is always √2/5 times of radius of the sphere itself. And for the hollow sphere, we can also discuss it about. So hollow sphere के लिए भी अगर हम यहाँ पे same technique use करेंगे, I is replaced by m k square, then we can just say that this will be equal to 2/3 into m r square, so that m as usual will just get cancelled, and we'll be left with k square is equal to 2/3 times of r square, and hence we can just get that this k will actually equal to √2/3 times of r. In this way, so this is the formula for finding the radius of variation of this hollow sphere as it is. So in this way, we can just find out the radius of variation of all these different shapes. We can just see on the board. Okay, so ये सभी जो shapes हैं, उनके radius of variation उनको मिल सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, so let us take the screenshot of this and then we'll move further. And remember that all these values are to be learned. ठीक है, ये जो moment of inertia के भी values आपको learn करने हैं और radius of variation की जो values है तो वो भी आपको learn करके रखने हैं ठीक से, no doubt. Yes. Finish with this. Okay. Yes. Let's go to the next concept in this chapter. That is about the torque acting on a body. Okay, तो किसी भी body के ऊपर जो torque act होता है, तो उसके लिए हमको expression ढूंढ के निकालना है. So let us see how to find out the torque acting on the body. अभी देखो, एक torque का जो basic definition है, तो उसको समझो ठीक से. What is the torque? It's actually you already seen it in the 11th standard in the chapter laws of motion. ठीक है, laws of motion के अंदर हमने ये देखा है. कोई भी जो बॉडी होता है, सपोज ये बॉडी है, रॉड है या कोई भी किसी भी शेप का कोई बॉडी हो सकता है, तो उसका अगर हमने एक पॉइंट अगर फिक्स करके रखा तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, एंड वी कैन जस्ट डिनोट इट बाय ओ. यस, एंड अब इफ सपोज वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी अनदर पॉइंट, ठीक है, इस बॉडी के ओ को छोड़ के बाकी दूसरे किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स एक्चुअली टॉर्क पैदा करता है. ठीक है, मतलब इस बॉडी को टर्न करने के लिए ट्राई करता है.
So for example, suppose that at this point the force is applied in this direction here. Okay. For example, if we have this rod kept here, okay, यहाँ पे इस तरह से ये rod रखा हुआ है और इस rod के ऊपर अगर हमने एक force apply किया इस direction में, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट फिक्स्ड है, भूलो मत, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड वन हियर, ये वो जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है, और अगर इस पॉइंट पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो रॉड जो है वो इस तरह से ऊपर जाएगा, एंड दिस मोशन ऑफ द रॉड विल बी एक्चुअली द रोटेशनल मोशन हियर, एंड दिस रोटेशनल मोशन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स एफ हियर. सो द एबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स. One is the magnitude of the force itself, and the second is at what distance this force is acting from the fixed point. Okay, so fixed point से कितने distance पे ये force काम कर रहा है, वो भी matter करता है. उसको बोलते हैं moment arm. उसको हमेशा R से denote किया जाता है. And the concept of torque is defined as the product of the force and moment arm. Remember, okay. Okay, so torque is actually going to be the perpendicular distance of the force from the fixed point, and that is to be multiplied with the force itself. Yes, so this is actually going to be the formula for the torque. But remember that this is not the actual definition of the torque. Torque ka definition thoda alag hai, ya to theek se, kyunki usme kya hai na ki direction ke bare mein bhi humko sochna padta hai. Theek hai, direction, kyunki the torque is a vector quantity. And it's going to be in the direction which is perpendicular to the radius and moment arm and force vector. So, ये force vector और radius vector इन दोनों को perpendicular direction में torque हमेशा दिखाया जाता है. And it is always to be considered along the thumb when we turn our fingers from R bar to F bar. That means it will be perpendicular to the plane and it is given by right hand rule always. तो हमेशा वो right hand rule से निकाल जाता है उसका direction. और इसीलिए उसको डायरेक्शन कंसीडर करके हमको उसका फॉर्मूला जो इस तरह से मिलता है, टॉर्क बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. तो ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये हमको मिल सकता है आराम से. सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म. सो दैट इफ सपोज द फोर्स इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर हियर, देन सपोज ये फोर्स इस तरफ है ये डायरेक्शन में और उनके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, ये जो आर बार है और ये एफ बार जो है उनके बीच में अगर थीटा इतना एंगल हमको दिख रहा है, तो उस केस में ये मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क का, तो वो एक्चुअली हमको कैसे निकालना पड़ेगा, आर इंटू एफ साइन थीटा से निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस एफ को हमको दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करना होगा. दिस एफ बार कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन ऑफ व्हिच विल बी अराउंड दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन. We can call it as f sine theta, and this second one will actually be the f cos theta. That is the horizontal component. But horizontal component, as we can see here, is not going to produce any torque. So, ये f cos theta जो है, वो इसी direction में उसको खींच रहा है. तो वो turn तो नहीं करने वाला इसको. इसलिए turn करने वाला component कौन सा है? F sine theta. उसको हमको इस r से multiply करना है ताकि हमको torque मिल जाए. तो torque निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? R को perpendicular component of force से multiply करना होता है. या उल्टा ऐसा भी कर सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द फोर्स वी कैन जस्ट रिजॉल्व आर हियर. दैट मींस दिस आर कैन बी कंसीडर्ड. अभी ये आर जो है वो तो चलो इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. बट इफ यू जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बिहाइंड एंड जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ओ ऑन दिस लाइन, देन दिस डिस्टेंस विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज आर साइन थीटा. Because this theta and this is also theta, so therefore ये theta का जो opposite side है यहाँ पे वो r sin theta के बराबर होगा. और अगर हमने इस f को अगर r sin theta से multiply किया तभी भी हमको यही same formula हमको मिल जाएगा आराम से. ठीक है, so this is the concept of torque, which is simply the cross product of the radius vector and the force vector. Remember, this is the concept of torque. And what does it torque represents? ये torque actually होता क्या है? It gives us an idea about how much the force is able to turn the body. किसी भी body को force का force turn कितना effectively कर सकता है. Turning ability of a force is actually called as the torque.
ठीक है। अच्छा इसमें अगर कुछ आपको पूछना है तो जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट हैव अ वर्ड। सो भी कुछ किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो पूछो जरूर। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज टॉक एग्जैक्टली? Can everybody give me the example of talk in daily life? Daily life के अंदर कोई talk का example है हमारे पास? The hinges to which the door is attached. क्या क्या? Hinges, door hinges. हाँ हाँ हाँ, door hinges जो है, तो door को जब हम एक point पकड़ के खोलते या बंद करते हैं, तो उस केस में भी talk apply होता है, क्योंकि हम force एक अलग point पे apply कर रहे हैं। और डोर का जो एक अलग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बोल सकते हैं। यस मोर। हैंडल जब हम टर्न करते हैं, किसी भी टू व्हीलर का हैंडल या इवन फोर व्हीलर का भी हैंडल, स्टीयरिंग व्हील जब हम टर्न करते हैं इस तरह से, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। नहीं, इवन फैन को जब हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब फैन को रोटेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिक टॉर्क वहां पे अप्लाई होता है ऑटोमेटिकली। इवन तुमने देखा होगा कोई जो पॉट मेकर जो होता है ना, पॉट मेकर, ठीक है, तो उसके सामने एक छोटा बड़ा व्हील होता है और उसके ऊपर वो एक मटका रखता है, मतलब मट्टी मिट्टी का गोला रखता है और उस व्हील को डंडी से इस तरह से घुमाता है, ठीक है। नहीं, तो जैसे ही वो उस पॉट मेकर व्हील को घुमाता है, तो उस व्हील को घुमाने के लिए वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। यस यस, hinge doors is also the example of torque, otherwise saying. Yes, so all these are examples of torque. Even we can just tighten or open nuts by using the spanners, using the torque only. ठीक है, torque का जो concept है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे, एक जो suppose यहाँ पे मान लो ये nut bolt है, ठीक है, nut bolt, अभी इस nut bolt को खोलना है या tight करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो हम हाथ से उसके ऊपर ऐसा टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हाथ से नहीं खुल रहा है या नहीं टाइट हो रहा है, तो उसको टाइट करने के लिए हम एक इस तरह का स्पैनर यूज करते हैं। देखा तुमने, इस टाइप के स्पैनर्स यूज किए जाते हैं जो इसके ऊपर इस तरह से जकड़ जाते हैं और उनका लेंथ जो है वो इस तरह से बड़ा होता है और हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो और ज्यादा टाइट हो जाता है, अगर उसको खोलना है तो हम उल्टा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम दूर डिस्टेंस पे, मतलब लास्ट डिस्टेंस पे, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई करेंगे उतना यहाँ पे टॉर्क बढ़ेगा। इसीलिए बताया कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना टॉर्क भी बढ़ता है, ठीक है, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना तो बढ़ेगा ही, टॉर्क ज्यादा होगा ही, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना टॉर्क भी ज्यादा होता है। इसलिए टॉर्क डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, इनफैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द fixed point. So this is actually the concept of torque. But अभी इसमें क्या है ना कि किसी एक particular particle के ऊपर जो torque act होता है उसके लिए हम ये formula use कर सकते हैं, no doubt. लेकिन जो body कई सारे particles का बना हुआ है, बहुत सारे number of particles का अगर बना हुआ है, तो ऐसे body के ऊपर जो torque act होता है, तो वो निकालने के लिए हमको अलग formula बनाना पड़ेगा, ठीक है। So consider torque acting on the rigid body. You have to derive an expression for torque acting on a rigid body. Okay, so consider a rigid body just like this of any shape, okay, which is kept here, and suppose this is the center or origin and through which the axis of rotation is passing like this, and the whole body is going to turn in this direction here. Suppose there are number of particles of mass m1, which is at a distance r1, here it is m2, which is at a distance r2, here it is m3, which is going to be at a distance r3, and so on like that. So if suppose this whole body is just exerted by a torque, is puri body ke upar humne kuch na kuch torque apply kiya is direction mein, to uski wajah se kya hoga ki every particle will also experience some torque, right? तो हर एक पार्टिकल जो है वो भी एक कुछ ना कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पे एवरी पार्टिकल विल अंडरगो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है वो हर एक सेम एंगुलर एक्सेलरेशन उसका होगा,
तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं पूरा जो बॉडी है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम ही होगा, इस पे इट कैन बी डिनोटेड बाय अल्फा. द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन दिस बॉडी, बट लीनियर एक्सेलरेशन इज नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रेडियस. वी ऑलरेडी प्रूव्ड दैट लीनियर एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, करेक्ट है. ये फॉर्मूला अगर हम सामने रखते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि लीनियर एक्सेलरेशन is always equal to the radius into angular acceleration. So we can just say that the linear acceleration depends on radius. So linear acceleration is going to be different for different particles in this body, but the angular acceleration is going to be the same for all the particles in this body. So let us say that the first particle has its angular linear acceleration denoted by a1. It is tangential here. The second particle has a tangential acceleration of a2. The third particle is having the tangential acceleration that is a3, and so on up to infinity or n. So the n number of particles hai, to wahan pe uski wajah se yahan pe sabhi alag alag particles ka acceleration bhi alag alag hai, theek hai, lekin angular acceleration is going to be the same. So because of that, the torque exerted or torque experienced by all the different particles will also be different. So let us consider for the first particle. Okay, for the first particle, can you tell me what should be the relationship between the linear acceleration and radius for the first particle? We can just say that the a1, that means the linear acceleration of the first particle, is actually going to be equal to r1 into alpha. Yes, what magic say? If you have to know, linear acceleration is equal to radius into angular acceleration. Okay. But the force acting on the first particle, we know that the force is always equal to mass into acceleration. ये ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है. तो अगर ये बात हम यूज करेंगे तो what is the force acting on the first particle, which will be in the same direction as that of the acceleration here, we can call it as F1. So force acting on the first particle, that is F1, will actually be equal to mass of that particle, which is M1, into the acceleration of that particle, which is going to be A1 here. Correct है? A1. Yes. But already we have just seen here that A1 is going to be R1 into alpha. So if we just put it here, then we can just get the force finally to be M1 into R1 into alpha. Do you agree with this? And then we can just solve this further and get this simplified as F1 is equal to M1 R1 alpha. That's it. This is going to be the force acting on this first particle here. Okay. Can you find out the torque acting on the first particle? We already have seen that the torque is always equal to the radius into force. Correct? अब जब भी हमने यही प्रूव किया, torque is equal to R into F. ये प्रूव किया कि नहीं? तो मतलब ये डेफिनेशन ही है टॉर्क का. प्रूव करने की जरूरत नहीं है. It is the definition of the torque. So according to the definition of the torque, for the first particle, the radius of that particle is going to be R1, and the force acting on the particle is F1. Therefore, we can just say that this torque acting on the first particle will actually be equal to radius, that is R1, into the force, that is F1. So R1 into F1, this will actually be the torque acting on this first particle here. Okay. But अभी यहाँ पे F1 का जो ये value है, वो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो उससे हमको torque का modified value मिल जाएगा. Torque is actually going to be R1 into. तो अभी यहाँ पे bracket में F1 का जो value M1 R1 alpha है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जिससे हमको मिलेगा M1 R1 alpha, करेक्ट है. जिससे इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमको मिलेगा tau1 is equal to M1 into R1 square. देखो इससे R1 दो बार आ गया, तो it will become R1 square into alpha. Just kept as it is. Yes, so this becomes the formula for the torque acting on the first particle. We can just give it as equation number one. Okay. चलो ठीक है. So we have arrived at the torque acting on this first particle so far. Can you talk about the same thing for the second particle? Just check. What can we say? What will happen for the second particle? All these arguments can be made equivalently for the second particle. That means यहाँ पे a2 आ जाएगा, r2 alpha, f2 आ जाएगा, m2 a1 a2. F2 बन जाएगा M2 R2 alpha.
F2 बनेगा M2 R R2 alpha and then torque acting on it will be tau2 will be equal to R2 into F2 where the if we just put the value of F2 then we can be able to get the formula for the torque acting on the second particle torque2 which is actually going to be M2 R2 square into alpha. समझा क्या किया? Simply इस equation में से हमको M1 R1 के बदले M2 R2 डालना है बस खत्म. That's it. That is the change we have to make here. Okay. So in the similar way, we can just talk about for the third particle. If we just talk about for third particle, what can we say? How much will be the torque acting on that particle? This is suppose the equation number two. So for third particle, the torque acting will be tau 3, which is going to be M3 R3 square into alpha. Correct? And then we can just continue it for n number of particles. Okay. So we can just try for last number, last particle, for nth particle, we can say it will be yes, tau n, which is going to be actually mn into rn square into alpha. Okay, and this is going to be the equation number n. ऐसे ही हमको n equations मिलेंगे, ठीक है? But अभी चलो ठीक है, individual torques तो हमने निकाल लिए. हर एक particle के ऊपर individually कितना torque act हो रहा है, वो हमको मिल गया, ठीक है? But what about the total torque? The total torque acting on the whole body is actually going to be the sum of the torques acting on all these particles individually. So we can just talk about the torque acting on the body. Okay, पूरे body के ऊपर जो torque act होता है, उसको हम total torque बोलेंगे, ठीक है? So and that total torque actually will be actually the sum of tau 1, then tau 2 plus tau 3, then tau 4 and so on up to tau n. Correct. So if we add these torques, then you can be able to get the total torque acting on the body as a whole. So if you just put all the values of this tau 1 from the equation number 1, which is m1 r1 square alpha, tau 2 from equation number 2, which is m2 r2 square into alpha, plus tau 3 and so on up to last, that is tau n, which is going to be mn rn square into alpha. So once again, we can just take alpha common from all these terms here, so that we can just get this tau is equal to bracket mein yahan pe milega m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash of 2 mn rn square into alpha, that is taken in the outside the bracket. Correct? Yes. And then we can just write this m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash of 2 mn rn square in a compact form as summation of mr square, which is actually defined as the moment of inertia. Isko hi to moment of inertia bolte hai, hai ki nahi? Ek particle ka moment of inertia kitna hai? m1 r1 square. Dusre particle ka m2 r2 square. In the same way, we can just find out the moment of inertia of all the particles and just combine them together so as to get the total moment of inertia of the whole body, which is actually denoted by I. So see how this I appears naturally in this formula. To is formula ke andar जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑटोमेटिकली अपीयर करता है. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन से टॉर्क एक्टिंग ऑन द होल बॉडी इज एक्चुअली गोइंग टू बी द समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डिनोटेड बाय आई. ओके, सो इफ यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर देन यू कैन जस्ट गेट दैट टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. So torque is equal to I alpha. This is the very, very, very important formula in this rotational dynamics. It is as much important as force is equal to mass into acceleration. Actually, these two formulae are just analogous to each other. We can just see here torque, force, similar to each other. Alpha, A, but the angular acceleration, linear acceleration, similar to each other. Moment of inertia and mass, already we have that they are already same or similar to each other or analogous to each other. So jitna important ye formula hamare linear motion mein hota hai utna hi important ye wala formula hamare rotational motion ke andar hota hai, jisse humko pata chalta hai ki torque is actually equal to the moment of inertia into angular acceleration. Jitna jyada torque apply karenge utna jyada angular acceleration body ke andar paida hoga. इसीलिए हम देखते हैं ना कि फैन को अगर हम फर्स्ट गियर पे अगर रखते हैं और स्टार्ट करते हैं तो वो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि टॉर्क भी कम अप्लाई करता है
और एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसका कम होता है। लेकिन जैसे हम उसको फिफ्थ गियर पे रखते हैं तो ज्यादा टॉर्क कम करता है, और ज्यादा टॉर्क ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा करता है, और इसीलिए वो फटाफट घूमने लगता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बारे में और भी ज्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे जरूर, उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे जो देखेंगे। ठीक है, सो यस लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर।